दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत में खरज नाम आपने सुना होगा। आज का वीडियो खरज के ऊपर ही है। हर संगीत साधक के लिए खरज का रियाज बहुत जरूरी होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी संगीत सीखना जिन्होंने शुरू किया है, जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उन्हें हेल्प हो सके इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, संगीत साधक के लिए खरज का रियाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी आवाज़ ऊपर के पिच में चढ़ने लगती है। अब सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि खरज होता क्या है। तो सप्तक नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। संगीत में सप्तक यानी सात स्वरों का समूह, सारे का म प ध नि सा। अब तीन सप्तक होते हैं, ये जो मैंने बोला है ये मध्य सप्तक है, बीच का है, एक नीचे का होता है और एक ऊपर का होता है। अब इनके नाम है मंद्र सप्तक यानी नीचे का, मध्य सप्तक यानी बीच का, और तार सप्तक यानी ऊपर का सप्तक। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो खरज का रियाज यानी जो हमारा स्टार्टिंग सा है, मध्य सा, उससे जो नीचे के स्वर हैं ग्रेजुअली उनका रियाज करना। जैसे सा के बाद नी, नी के बाद ध, ध के बाद प, जहाँ तक आपकी आवाज़ नीचे उतरेगी वहाँ तक आप रियाज कर सकते हैं। इस रियाज को सुबह सुबह करना चाहिए। जितना आप जल्दी उठकर इस रियाज को करेंगे आपके गले में एक स्थिरता आएगी, ठहराव आएगा, किसी भी गीत को आप अच्छी तरह से गा पाएंगे। अगर आप डेली रियाज करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है आपके गले में और एफर्टलेस आप गा पाते हैं किसी भी चीज़ को। तो डेली ये रियाज आपको करना चाहिए, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट से शुरुआत करके आधा घंटा एक घंटा ये रियाज आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं खरज का रियाज। आज मैं काली एक यानी सी शार्प में हूँ। तो ये सुर हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम काली चार लेंगे तो हो सकता है हम पंचम या मध्यम तक ही नीचे उतर पाए। तो काली एक लेने से है कि हम नीचे के सात तक कोशिश करेंगे कि हम आ जाएं। जितना हम नीचे उतर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो शुरुआत करते हैं तानपुरे के साथ। पहले आवाज़ मिला लेंगे और सबसे पहला स्वर जो होता है सा, वो हम पकड़ लेंगे। सा ये हमारा बेस नोट है। सबसे पहले इसी को ढूंढ लेना है। कहते हैं ना, पहला सुर सध गया तो सब सध गया। सबसे पहले हमें सा में अच्छी तरह से मिल जाना है। एक बार फिर मिलेंगे सा। दोस्तों, इस रियाज के साथ साथ आज मैं आपको लय का भी अभ्यास बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहते हैं कि सुर तो समझ में आ जाता है लेकिन बाद में ताल वीक रह जाता है, लय वीक रह जाती है। तो हम जो भी स्वर यहाँ गाएंगे वो हम चार चार काउंट में देंगे। कंडीशन ये है कि चार काउंट इक्वल होना चाहिए, उनका जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको गाकर बताऊंगी। हर एक स्वर को हम फोर काउंट पर डालेंगे इक्वली। अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अच्छी तरह सांस भर लेनी है। एक सप्तक नीचे उतर आए, सा थोड़ा क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे रियाज करेंगे उसकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज बहुत नीचे है पोजीशन। ओके, अब यहीं से हम वापस चलना शुरू करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सा
मध्य सप्तक के सा से शुरू करके मैंने मंत्र सप्तक के पूरे सातों स्वरों को गाने की कोशिश की और वापस मैं मध्य सप्तक के सा पर जाकर रुक गई। अब सबसे पहले ऐसा आपको स्वरों में करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। शुद्ध स्वर गा रही हूँ मैं, सारे ही शुद्ध स्वरों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए पहले। और पूरे स्वरों को एक बार आपने स्वरों में गा लिया, उसके बाद आप आकार पर आ जाएंगे, शुद्ध आकार। किस तरीके से? आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने रियाज के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि पांच जो वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू आ ई ऊ ए ओ, इन पांचों के ऊपर हमें रियाज करना है। जैसे हमने अभी आकार कर लिया, अब हम उकार करेंगे सेम इसी तरीके से। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताना चाह रही हूँ। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे खरज के रियाज के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, इसलिए काफ़ी दिनों से हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैडम खरज के रियाज के ऊपर आप एक सिंपल वीडियो बना दीजिए जिससे वो कंसेप्ट हमें समझ में आ जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी हम उकार ले रहे हैं, ओ इसी तरीके से इकार ले लेंगे, पांचों वॉवेल के ऊपर आपको ग्रेजुअली रियाज करना है। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं चार काउंट पर बता रही हूँ, आप इसे और भी स्लो कर सकते हैं। और सुबह सुबह जब आप धीमी लय में ठहराव के साथ गाते हैं तो बहुत आनंद आता है ना। तो इस तरीके से आपको ये रियाज करना है। अब दोस्तों कहते हैं कि पाँचों वॉवेल क्यों आप ले रहे हैं, क्या यूज़ है उनका, तो
लास्ट वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी एक बंदिश गा के आपको बताई थी, वारी वारी जाऊं यमन राग पर आधारित थी। कोई भी हम गीत गाते हैं, चाहे वो फिल्मी हो चाहे शास्त्रीय बंदिश हो, उसके अंत में जो हमेशा अक्षर मिलता है उसमें या तो आकार होता है या इकार या एकार या ओकार, है ना। तो इस तरीके से मैं अभी आपको आज भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या यूज़ है। जब हम किसी बंदिश को डेवलप करते हैं तो अंतिम अक्षर को हम एक्सटेंड करते हैं और वहाँ पर जो चीज़ हमें ज़रूरी होती है वो हम रियाज के थ्रू पहले से पक्की कर लेते हैं, पांच वॉवेल आ ई ऊ ए ओ के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरीके से रियाज हम सभी जानते हैं, खर्च का रियाज किया जाता है, लेकिन कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स अगर हम देखें तो पंडित जसराज जी या पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी या वसंतराव देशपांडे जी अपने गायन की शुरुआत किस तरह करते थे और किस तरह से रियाज करते थे वो मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो अगर हम पंडित जसराज जी की बात करें तो वो हमेशा अपने गायन की शुरुआत एक मंत्र से करते हैं जिसके शब्द हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो आइए थोड़ा सा जितना मैंने सुना है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनो। अब इस मंत्र में पहली चीज़ कि इसमें पांचों वॉवेल आ रहे हैं, मंगलम में अकार आया, भगवान के वा में आकार आया, विष्णु में उकार आया, तनो में उकार आया और हरि में इकार आया। तो इस तरीके से इस मंत्र के माध्यम से जो पांच वॉवेल हैं उनका पूरा यूज़ हो जाता है अच्छे से। और दूसरी चीज़, मंत्र का अपना एक अलग ही महत्व है। अगर हम मंत्र करते हैं वो शब्दों में ही इतनी शक्ति है कि हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो किसी भी मंत्र को लेकर आप ये रियाज कर सकते हैं, इवन अपने गायन की शुरुआत कर सकते हैं। प्रारंभिक आलाप जो है वो हम किसी भी मंत्र के माध्यम से उस राग के स्वरों में लेकर हम उसको गा सकते हैं। इसी तरह पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी और पंडित वसंतराव देशपांडे जी ने भी पूरा मंत्र न लेकर ओम श्री अनंत हरि नारायण इस तरह के वो शब्द लेते थे जिसमें पूरे पांच वॉवेल दिखाई दे जाते हैं। और एक जो ईश्वर की आराधना कहा जाता है शास्त्रीय संगीत को, तो अगर शुरुआत हम इतने अच्छे शब्दों से करें, ओम श्री अनंत हरि नारायण, इस तरीके से। तो इसमें भी आपने देखा पूरे पांच वॉवेल दिखाई दे रहे हैं, ओम में उकार, श्री में इकार, अनंत में आकार, हरि में इकार, नारायणा में आकार। तो अब आप कहेंगे कि बंदिश में कैसे यूज होता है, तो
बैरागी भैरव की ही एक बंदिश है पंडित जसराज जी की गाई हुई, उसके माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि पांच वॉवेल का यूज किस तरीके से बंदिश को डेवलप करने में होता है। बंदिश के शब्द हैं कान्हा तुम अब न मोहे समझाओ, ये अकार हो गया ना, आकार मोहे एकार समझा, आकार समझा को डेवलप करते हैं तो हमें इन पांच वॉवेल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो से आप खरच के रियाज को अच्छी तरह समझ पाए होंगे और उसके साथ साथ लय भी बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। आप जब भी रियाज करें, आप काउंटिंग के थ्रू इक्वली, अगर फोर काउंट ले रहे हैं तो एवरी टाइम फोर लें, एट ले रहे हैं तो एवरी टाइम फोर एट लें, है ना। कई बार जरूरी नहीं है आप थोड़ी सी लय बढ़ा के रियाज कर रहे हैं तो आप दो काउंट पे डालें सा को, एक काउंट पे डालें, लेकिन जो भी करें वो इक्वल करें। ऐसा महसूस करें कि अगर तबला चल रहा है और हम गा रहे हैं, या हमारे अंदर ही लय चल रही है। एक्चुअली लय हमारे अंदर है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वो महसूस करते हुए हमें हमेशा, जब भी हम गाएं बिना तबले के, तो हमें महसूस होना चाहिए कि लय हमारे साथ चल रही है। तो दोस्तों, ज़रूर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।